नमस्कार आमर ओशीर अध्याय को आपण मानको स्वागत करछि मु पुष्पांजलि। दर्शक बंधु कथारे कथारे कहंती मन पसंद खाना भुलाई दे सबू बहाना, ठीक कथा। तेबे चालंतु ना आज भी आमे आमर ओशीर दीरा टेस्टी आइटम बनेबा जोटा कि समस्त को भल लगे समस्त पसंद आसब। आ दुटा आइटम हूँ गोबी तिलवाला आउ गोटे बनेबा सोरबा। आ दुटा बनवाई मो सहित अच्छा सेफ लाला, प्रथम तक स्वागत करवा। हेलो सर। हेलो। आपण को आम कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आज आपण गोभी तिलवाला बनेबे आउटे सोरबा आइटम बने। सोरबा बनेबे। सोरबाटा एक्चुअली कोन? टमाटर धनिया सोरबा। टमाटर धनिया सोरबा आ गोटे गोभी तिलवाला। गोभी तिलवाला। प्रथमे कोटा बनेबा? गोभी तिलवाला बने। कोन सब सामग्री दरकार सेति पई? मो तो कहिबिनी कोबी ने बोली। हां कोबी ने दरकार। हां तिल भी दरकार। हां कोबी तिल तापरे आदा रसुन पेस्ट तापर चिल्ली पाउडर हल्दी पाउडर तापरे खाइबा सोडा लूनो गरम मसाला बेसन एवं कॉर्नफ्लावर रिफाइन ऑयल को नहीं प्रस्तुत करी तो गोभी तिलवाला। ओके एबे आसंत बनेबा गोभी तिलवाला से आरंभ करबा। ताले आरंभ करबा निश्चय भाव रे। प्रथम हमें गैस ऑन कर दोवा ओडे बसेबा तेल मध्य पकेबा एटा आमे अधिक मात्रा नउ छन छाणीबा पई छाणिया को ए ड्राई आइटम अछि स्नैक्स जेमति पकोड़ा सब होउछि से टाइप रो टिके धीरन अछि। आमे प्रथम गोटे पात्र नबा। ओके पात्र रे किछि बेसन प्राय 3 चम्मच बेसन नै जिबा एवं कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच नबा। खाइबा सोडा मध्य नबा। क्वांटिटी अनुजाई पकेबे सॉल्ट मध्य पकेबा। गरम मसाला मध्य दबा। हमें खाली पकोड़ा प्रस्तुत करे जमती बेसन नउचे एथिरे हमें कॉर्नफ्लोरटा एक्स्ट्रा ऐड करू। हां तापर हमें हळदी लंका पाउडर मध्ये दबा। हळदी लंका पाउडर तापर हमें नबा गार्लिक जिंजर पेस्ट आउ तिल। प्रथमे तिल नबा अल्प एवं गार्लिक जिंजर पेस्ट हमें पानी दबा एबे भलो भावरे मिसेबा को एतिरे हमरो गोभी रे हमें फुल गोभी नै छै। हां फुल गोभी नै छै छोटा छोटा पीस मध्ये काटि दै छै एकोटे भलो भावरे मिसेबे। एबे कोबी मध्ये दबा। जेमती कोबी रो सबु पार्ट रे बैटर टा लागिया दरकार। ये टिके पतला आइ छे वर्तमान कॉर्नफ्लावर ये ऐड कर देवा। ओके कॉर्नफ्लावर टिके पकांतु एवं बेसन मध्य टिके पका जति पतला हो जेबो ताहेले आमे लास्ट टिके ऐड करी कि बस रिक्वायरमेंट अनुसार पनी पाइबा। एबे गोटे प्लेट रे तेल पकांतु। अच्छा राशि तेल रा गोटे कोटिंग हबो। हां पकांतु सब बस। ओके तिल तो हमें दे छु भितरे भितरे अल्प टिके भी हम दे छी आउ जहा लागिवो। एबे तेल मध्यम गरम होय आसलणी हम
नॉर्मल पकोड़ा रू टिके हटके बनेले हाँ। भी समस्तंगु भल लागियो एबे आमे एको आउ टिके भलो होरे मिश्रण करबो देखु देबे आसी तो ऊपर लागु छी एबे आमे तेल रे छाडीबो गोटे गोटे करी okay. कोबी पकोड़ा तो रिचे खाई देबे किंतु ये टिके अलग वैरायटी रो आजिकल देश भी बदलिया लगी खाद्य मध्य भी से अनुजाई बदलिया लगुच दिन कु दिन नुआ नुआ रेसीपी रे खाइबा बनिया होउछ आ सम घरे भी गृहिणी माने एक्सपेरिमेंट करू थांती हाँ। माने आसे त मिसेले कोन होबो त आसे त मिसेले कोन होबो तेनु करी तांको भी डाउट क्लियर हे जीवो से माने देखिने यदि हां एमदी हमें एतरे को मिसेले ए गुटे आइटम बाहरिबो पकोड़ा अपेक्षा ये टिके क्रिस्प रहिबो पकोड़ा टिके सॉफ्ट रुए पकोड़ा अपेक्षा ये जमी तेल टेस्ट लगे कारण एतरे राशि रोचे आमर एमती भी राशि लड़ू प्राय लोक खाया भी भल पाते एको दी भेरेड बने परिवे चाहिए एको करी भी बने हुए अच्छा माने ग्रेवी प्रस्तुत करके एटा पके दवा से हां करी भी होबो तबे सेही रेसिपीटा माने कहा से तो राइस से तो भलो खाए राइस 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 से ते भलो रहबो ये तो डायरेक्ट स्नैक्स अछि स्नैक्स आइटम या को टमाटर सॉस संग रे दे खाइले भल लागो बर्तन एस जेमति नॉर्मल हम सब पकोड़ा खाइ थौ हां बर्तन एस लेने हमे वर्तमान एको काढीबा ओके ठीक चिकन पकोड़ा भाया देखा तो तेल कड़े साइड कर बर्तमान आमर प्रस्तुत हो गला गोभी तिल वाला बर्तन प्रस्तुत जे टेस्ट करी गोटे पीस देखंतु ताले रेडी जे छी गोभी तिल वाला बहुत शीघ्र भी प्रस्तुत हैला एटा निहाती हाबरे टेस्ट करिया को चाहेबी बहुत त गरम अछि तथापि बहुत इच्छा अछि एटा तदर बहुत बढ़िया छी माने नॉर्मल बेसन पकोड़ा टू एटा हटके अछि तिल वाला बेसन गोभी सब त घरे अवेलेबल रहउ छी समस्त बने परिबे बनिया दरकार मध्य आपण माने देखिले गोभी तिलवाला कि भली बारे प्रस्तुत हैला एबे लेखी रखंतु ए पकोड़ा पई आवश्यक होतवा सामग्री गोभी गोटे धळा राशि 100 ग्राम बेसन 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर 20 ग्राम खाइबा सोडा अल्प गरम मसाला गुंड अल्प हळदी गुंड अल्प लंका गुंड अल्प अदा रसुन बटा अल्प रिफाइंड ऑयल 200 मिलीलीटर ओ लूण स्वाद अनुसारे प्रस्तुति प्रणाली प्रथमे करै बसे 200 मिलीलीटर तेल गरम करंतु गोटे पात्र रे 3 चम्मच बेसन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर अल्प खाइबा सोडा लूण अल्प गरम मसला गुंड हळदी गुंड लंका गुंड अल्प धळा राशि अदा रसुन बटा ओ पानी दे भलो भाबरे गोळाई दियंतु तापरे कोबी को छोटो छोटो करी काटी सेथरे गोळाई दियंतु तापरे प्लेट रे राशि नै सेथरे कोबी को गोळाई तेल रे छाणंतु सेसरे सर्विंग प्लेट को काढी सर्व करंतु गोभी तिल वाला एबे आसंतु बनेबा टमाटर धनिया सोरबा से एई सोरबा बने अपन कोन सब सामग्री दरकार सॉल्ट दरकार तापर गरम मसाला चिली पाउडर गार्लिक चॉप जिंजर चॉप टमाटो पेस्ट एवं कोरिंडर धनिया पत्र को नेगी बनेबा टमाटो धनिया सोरबा रिफाइन ऑयल रे प्रस्तुत करबा आरंभ करबा ताले एबे हमें तैयारी करबा किंतु प्रथमे हमें धनिया पत्र नबा धनिया पत्र को फाइन चॉप करिवा अच्छा सोरबा माने गोटे गोटे प्रकार सूप हां सूप सूप
एटा कोनो ना माने जदी नॉन वेज हुए ता हाडरु जो जूसटा पारे सेतरे 16 रुपा प्रस्तुत करा जाय ए वेज अछि तेनो करि आमे यार लिक्विड बाहरिबो कारो ना धनिया पत्र ओ टमाटो सब भले कसिले ए 16 रुपा प्रस्तुत करा बर्तन आमे गैस ऑन करिबा कड़ाई बसेवा रिफाइन तेल मध्य किछि देबा लाइट तेल अल्प 5-7 ग्राम देबा रे केत समय लागिबो हमको बनेय पय सेमति त बेसी इंग्रेडिएंट्स नाही एथिर भी तथापि हमको 8 रु 9 मिनट लागिबो अच्छा बनेय हो याको जदि आमे बेसी टाइम भी बनो 10-15 मिनट आउरी बढ़िया टेस्ट हो अच्छा 8-9 मिनट तुरंत प्रस्तुत हो जो किंतु जदि बॉईल हुए अधिक समय माने जति अधिक बॉईल हो टेस्ट से ते बढ़िया टेस्ट रा बढ़िबो अच्छा एमति किछि जिंस अछि अधिक बॉईल हेला परे ता फ्लेवर आपे आपे बाहर जाय तेल गरम हेला परे आमे गते फर्स्ट गार्लिक जिंजर पके ओके एटा जेमती धरंतु एटा ओटे सोरबा आइटम मे सूप जातीय कहले टमाटर प्रस्तुत कले आउ एमती किछि अलगा किछि जिंस सहित सोरबा प्रस्तुत हुए ना केवल ए टमाटर सहित टमाटर हुए दाल रो प्रस्तुत हुए अच्छा तापरे गोटे नॉन वेज रो अछि अदरक की सोरबा अदरक की सोरबा अच्छा चिकन हाड रो प्रस्तुत करा जाय अच्छा अच्छा नॉन वेज भी परिबो वेज भी एबे हमें गार्लिक पकेबा जिंजर मध्य दबा सेम सेम क्वांटिटी दबा एबे स्लो करिबा ठीके कोरिएंडर दबा माने हमरो रसुणटा ठीके ब्राउन हेकि तार स्मेल लाइट ब्राउन परे हां कोरिएंडर पकेवा एबे टमाटर मध्ये दबा अच्छा एबे पानी दो एटा जेंती सूप हमर पतला रहे से बेले ही रहइबो सूप तो आउ पतला रहइबो आउ पतला रहइबो अच्छा ए सोरबा अछि सूप तो पतला रहइबो सूप तो कॉर्न फ्लोर मारि देला परे हमें गट कर दउ छु किंतु ये सूप तो आउ पतला रहइबो एंती पतला रहइबो जेंती आसीबो नि एतरे पूरा पानी बढ़िया रहइबो सूप रे तो हमें गरम मसाला यूज करनु किंतु एतरे हमें रेड चिल्ली पाउडर गरम मसाला मध्य यूज करबे कहि बारे वाले देसी सूप टाइप रे कहि परबा एटा एबे सॉल्ट दबा आवश्यक अनुसार सॉल्ट एके भलो भाव रे को फुटेइबे मागुरु कहितली फुटेले यार फेवरटा पेपे आसीबो टेस्ट माने बढी जाय हां बढी जाय जो धनिया पत्र से बॉईल हेला मते तार फेवर आसे बासनाटा आसे एबे आमे चिली पाउडर गरम मसाला दबा अल्पटे गरम मसाला नि गेले चिली पाउडर दबा लाइट चिली पाउडर देबे यार कलर टा मध्ये ही रहइबो माने टमाटर जेम रेड कलर ही रहइबो बस कम तेल रे मध्ये ये होछ प्रायत जेमती हमर कोनसी उठे मील नबा गुरु की इवनिंग रे उठे के पसंद कर दी सूप खाइबा पई तो से बोला ए सोरबा टा को भी हमें सेमती खाइबा घरे तो प्राय सुटकन सूप
मटन सार सूप ये तो कॉमन डिश बने दवार सिखी गले घरे प्राय घरे बने किंतु ये सोरबा टिके अलग अछि किंतु देखिले थरे देखिले सोरबा अपन आपे आपे बने देबे एते किछि आइटम भी नहीं आ पई की एग्जैक्टली बर्तन आसलाने काढ़ी देवा बर्तमान हाँ एबे हमें सोरबा काढ़ी देवा प्रस्तुत हो जाए टमाटो धनिया सोरबा आप टेस्ट करके देखते तारे गोटे बढ़िया सूप आइटम टमाटो धनिया सोरबा सोरबा इट सेल्फ तार गोटे यूनिक जिनस मुझे भाव में टेस्ट करी सतरे बढ़िया है बहुत टेस्टी माने टमाटर सूप भाया हेले भी टिके हटके टेस्ट माने गोटे बहुत टेस्टी अच्छे कोरिएंडर फ्लेवर आ आ एटा गोटे बढ़िया सोरबा प्रिपेरेशन आम दर्शक मैंने निहाती भाव घरे प्रस्तुत करिया आपण मैंने देखिले टमाटर धनिया सोरबा किभली भाव प्रस्तुत हला एबे लिखि रखंतु ए सोरबा पाई आवश्यक होतबा सामग्री धनिया पत्र 100 ग्राम टमाटो प्यूरी 50 ग्राम कटा रसुन गोटे चम्मच कटा अदा गोटे चम्मच गरम मसला गुंड अल्प लंका गुंड अल्प रिफाइंड ऑयल 10 मिलीलीटर और लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथमे करे बसे अल्प रिफाइंड ऑयल गरम करंतु सेथरे गोटे चम्मच कटा रसुण गोटे चम्मच कटा अदा कटा धनिया पत्र टमाटो प्यूरी और आवश्यक अनुजाई पानी दे फुटांतु तापरे स्वाद अनुसार लुण अल्प गरम मसला गुंड अल्प लंका गुंड पकाई भल भाव फुटांतु शेषे सर्विंग बॉल को काढ़ी धनिया पत्र पकाई सर्व करंतु टमाटो धनिया सोरबा आज आपण माने देखिले टमाटर धनिया सोरबा और गोभी तिलवालार प्रिपेरेशन प्रोसेस ए दुटा रेसीपी एवं घरे प्रस्तुत करूँ तार मजा नियंतु और टेस्ट कर सारा पर केमती लगला आमको जानवाक भूलबे आम ठिकना है आमो रोसी ईटीवी ओडिया पोस्ट बैग नंबर 38 भुवनेश्वर 1 आमर ईमेल एड्रेस हला etvodia@etv.co.in सेफ आज आपण आसिले आ आम दर्शक मानको दुटा बढ़िया वेज रेसीपी बने के देखिले सेथि आपनको बहुत बहुत धन्यवाद आपनको मध्य धन्यवाद दही रु लहुणी बाहर कर सारिबा परे बड़का दही को चिली रे बसाई दियंतु छेना तैयारी हेबो दर्शक बंधु आज त समय होई छि कार्यक्रम को एठी रखबा आगामी अधरे आपण मान क सहित पुन थर देखाव एमति किछ नवा रेसिपी को नै से पर्यंत विदा दियंतु रहउछु नमस्कार।